है बरकातहू तमाम दोस्तों को, आसाना मिलिया सबके लिए। मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शेख रशीद शाह कादरी, आपकी खिदमत में। जिन शैतान चुड़ैल बला या किसी भी साय से निजात पाने का चौथा माल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। जो दोस्तों, तीन वीडियो अमल में बता चुका हूँ जिन शैतान से निजात पाने के मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ अमल आपकी खिदमत में पेश नजर थी, जिसकी आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन शैतान जिनसे किसी के आंख पर या किसी आसिब का असर हो, यानी जिन हो या कोई बला शैतान हो या चुड़ैल हो या किसी तरह का भी साया हो या आसिब लपटा हुआ हो या जादू के जरिए किसी ने भेजा हुआ हो, तो दोस्तों ऐसे तमाम चीजों से निजात के लिए, ऐसे तमाम चीजों को हटाने के लिए, इसे शिफा हो पा शिफा आप कैसे करें, तो इसको कैसे अब अमल में लाए, इसके लिए आसान सा अमल आपकी खिदमत में चौथा लेकर हाजिर हुआ। जो आसान अमल है सबके लिए, हमेशा आपके लिए आसान अमल ही पेश करते हैं, तो ये भी अमल आपकी खिदमत में आसान सा अमल पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस अमल से भी जरूर फायदा उठाइएगा दोस्तों। ये अलामतें हैं, अगर आप किसी हजरात क्या किसी भाई बहन को आप अगर सोचते हैं कि इनको या भूख ज्यादा लगना, यानी ज्यादा खाना खाए ऐसा खाएंगे ऐसा खाएंगे, भूख ज्यादा रहेगी या नहीं तो भूख ही नहीं लगेगी, रातों में नींद नहीं रहेगी, आपका जो बॉडी यानी सीने पर का कोई वजन पत्थर रख दिया जैसा होगा, या सर से गर्दन तक वजन हो जाएगा, दो ये शोल्डर आपके वजन हो जाएंगे और आपके सारा बदन टूटेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा आपको, हमेशा नींद नहीं रहेगी, या तन्हाई में अंधेरे में बैठना पसंद करेंगे, सुस्त हो जाएंगे, या बात बात पर गुस्सा आना, लड़ना झगड़ना, किसी को मारना, या किसी भी काम में दिल नहीं लगना, या खुशबू सूंघते ही आपको अगर सर में दर्द आ जाना, ये सारी अलामतें जिन शैतान बलाए रहने की वजह से होती है। अगर आप किसी भाई बहन को एक ऐसी अलामतें भी हैं तो आप जान लीजिए कि आपके ऊपर कुछ असर है। तो दोस्तों, तो आपके लिए, आपकी मालूमात के लिए चंद चीजें मैं अलामतें आपको बताया हूँ, तो शायद अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे भी अंदाजा कर सकते हैं, या आप किसी के कैफियत जानकर भी आप कह सकते हैं कि आपका ये चीज है, तो बहुत आसान है, या नहीं आप पक्का ही मालूम करना चाहते हो तो इस्तेखारे का आसान 1-2 अमल मैं बताया हूँ। इस्तेखारे का आसान अमल 1, आसान अमल 2, अब इसके जरिए भी आप अपने ऊपर या किसी के ऊपर क्या है मालूम कर सकते हैं दोस्तों। अगर जिन शैतान बला जिन चुड़ैल जो भी मसला हो या किसी पुराना भी अमल हो, अगर आप चाहते हैं कि इसको हटाएं या इस चीज को आप दूर करें, तो इस तरीके इस वीडियो को फॉलो करते हुए पर भी आप अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने मकसद में कामयाबी हो सकती है। जिस किसी के लिए आप कर रहे हैं तो उनके लिए खुद अपनी हिफाजत पहले करें, अपने लिए अपनी हिफाजत पहले करें। आप आयतल कुर्सी को 11 मरतबा, चारकुल को 11 11 मरतबा अपने ऊपर दम कर लीजिए, उसके बाद अमल को स्टार्ट कर लीजिएगा। दूसरों के लिए करते हैं तो ही, अपने लिए करते हैं तो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। और आपको एक नश बताऊंगा, इस नश को आपको आसान सा अमल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं, और एक अंडे पर मैं आपको चंद चीजें बताऊंगा कि क्या लिखना है, लिखकर इसको आप मरीज का नाम भी लिखना है उस पर, लिखकर किस तरह आप उतारेंगे, सारा तरीका आपको मैं वीडियो में आखिर में इंशाल्लाह आगे बताने वाला हूँ। अंडा उतार कर आपको रोज एक रोज या कि 3 दिन भी आप कंटिन्यू करेंगे तो भी माशाल्लाह बेटर है, जब पहले दिन या अमल के आखिर दिन भी कर सकते हैं, अगर रोज आप चाहे कर उतार सकते हैं तो भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है दोस्तों। ऐसी इस तरह के उतारने के, इस तरह के अमल थोड़े डेंजर होते हैं, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसान सा आसान और बेखतर अमल आपको बता रहा हूँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो अगर दूसरे अगर वीडियो भी आप देखेंगे तो माशाल्लाह उसमें भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये जो अमल है आपको पलीते पिलाने का है, पलीते किस तरह आप पिलाएंगे और पलीते किस तरह बनाएंगे सारा तरीका आपको आगे बताने वाला हूँ। तो एक जो चंद अल्फाज है उसको आप अंडे पर आपको तहरीर करना है, और एक छोटी सी आयत या कुछ लफ्ज है आप उसको अंडे पर तहरीर करना है, उसके बाद उस सारी चीज़ों को अंडे पर ही लिखना है ब्लैक पेन से, सारा तरीका मैं बता दूंगा। उसके बाद आप ये चीज़ों को मरीज के ऊपर से उतारना है, मरीज को सुला देना है, सुलाने के बाद सर से लेके पाँव तक 11 मरतबा उस अंडे को उतारना है, उतारने के बाद आप उसको फेंक देना है, और इसी पर तरह पलीतों को सुबह शाम 3 मरतबा या 2 मरतबा कम से कम आप इसको पलीतों को पिलाना है। पढ़ना वगैरह कुछ नहीं है, नश की चाल से अगर नश पूर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह नश अगर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाएगा माशा। अगर आप इस पे अगर तल कुर्सी वगैरह भी दम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि नश क्या है, और अगर आपको इस वीडियो मेरा माशाल्लाह पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, जो भाई बहन सब्सक्राइब कर चुके हैं माशाल्लाह उनका बहुत शुक्र गुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आसान से ऐसे अमल आपकी खिदमत बनाकर पेश करने की कोशिश करता हूँ, और आपका लाइक मेरे लिए बहुत काम करता है। आइए वीडियो की तरफ देखते हैं कि नश कहते हैं रहीम। या दोस्तों, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये जो नक्श है, 16 खानों का नक्श आपके सामने नजर है। या दोस्तों, ये नक्श में जिस तरह आदत लिखी गई है वही पुरानी हमारी चाल है, जिस तरह मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ 16 आतिशी चाल, वही आतिशी चाल से आपको सारा नक्श पूर करना है,
और ये जो आपके नीचे ये सार जो आप देख रहे हैं, बहकी नक्श हर खिसम आती वो नजरे बद, वो हर मर्ज दर्द दरे वज दर वजूद ई राफ दफाशुद दफाशुद दफाशुद। तो ये जो तिलस्म वगैरह ये जो आपको नजर आ रहे हैं जो अल्फाज, इस अल्फाज को आपको तावीज बनाने के वक्त ही लिखना है, और इसके ऊपर जो है मरीज का नाम, यहाँ पर मरीज का नाम लिख लीजिए, या यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो तावीज़ बनाने के वक्त लिखना है, लेकिन इसको आपको दूसरा आप इसके पलीते पिलाना है, पलीते पिलाना है, और इसको इस नश के आपको पलीते पिलाना है। नश आप इस तरह एक बटर पेपर, इसको कहते हैं ऑयल पेपर भी कहते हैं, देख लीजिएगा, इस तरह के पेपर पर आपको ये नश मैंने बनाया। ये आया, ये अल्फाज नहीं लिखा हूँ मैं, सिर्फ नश लिखा हूँ। सिर्फ नश को आपको तीन या दो टाइम या तीन टाइम आपको पिलाना, दो वक्त या तीन वक्त आपको सुबह या शाम आपको पिलाना होगा। पिलाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, और पहले नश की चाल आपको समझा दूंगा। ये जो है ये, अब मैं इसके बारे में आपको अभी इसको दम बताऊंगा। करने पर बैठ हमें कर आराम से अब एहतराम से इसका यह पानी पीना चाहिए, खड़े होकर खतरा नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, आराम से अदब से पीजिए। 20 मिनट के बाद देखिए, आफ्टर 20 मिनट आप इस तरह इस पेपर को निकाल कर निचोड़ लेंगे। मैंने आपके लिए जल्दी बता रहा हूँ, फिर भी फॉरवर्ड कर आप देख लीजिए। 20 मिनट के बाद इस तरह निचोड़ लिए, या आधे घंटे के बाद भी निचोड़ेंगे, बाद में भी निचोड़े तो कोई मसला नहीं है। कम से कम 20 मिनट ठहरना चाहिए पानी के अंदर, उसके बाद निचोड़ कर इस पानी तब को आप हमारे पलीते पास। वगैरह पिलाते हैं माशाल्लाह। उसके बाद आप देखिए, इस नश को बनाकर ये सारी चीज़ें लिखने के बाद, यहाँ पर मरीज का नाम लिख लें या यहाँ पर लिख लें, लिखने के बाद इस तरह आप तावीज़ बना लें, बनाकर इनके गले में पहना दें। जब 11 दिन हो जाएंगे, 11 दिन या 21 दिन हो जाएंगे, माशाल्लाह उनको शिफा नज़र आ गई, ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। इस तरह मैंने इसको टेप मार दिया, इसके हाथ पर हरा कपड़ा सी लीजिए, बड़ी तावीज़ कमर या गले में भी बांध सकते हैं या हाथ में भी बांध सकते हैं, गले में रहना बहुत ही बेटर है इंशाल्लाह, यानी कि सीने के ऊपर रहेगा, कलेजे के ऊपर, यानी आपके जिस्म पर लगा रहेगा, तो इंशाल्लाह आपके ऊपर जो भी असर दोबारा असर नहीं होगा माशाल्लाह, और जो असर है वो ख़त्म भी ज़ायल भी हो जाएगा। इस तरीके से नश पुर कीजिए, जो चाल बताइए, और नीचे मरीज का नाम लिखना, ये लफ्ज़ जो अल्फाज हैं लिखे हुए इसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह आपको तरीका समझ में आ गया होगा, करता उम्मीद हूँ करता दोस्तों हूँ। आपको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तरीका सारा जिनशा से निजात पाने का बला का अमल अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही साथ जो भी अमल आपको तरीका बताया जिनशा जिस किसी भाई बहन पर और किसी पर भी हो, आप उसको हटाना चाहते हैं जो बला जादू की वजह से आ गई है और कुछ असरात हो गए, आप जानते हैं कि इनके ऊपर जिन शैतान है या कुछ बला है या कुछ आसीब है, तो आप इनके लिए अमल कर सकते हैं। सारा तरीका आप डिटेल में आपको बता चुका हूँ, ऐसे आसान अमल आपकी खिदमत में लेकर पेश करता रहूंगा। जान दीजिए शेखर शीशा खादवी को, जुड़े रहिए आसान अमल सबके लिए, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही आसान अमल आपकी खिदमत में बनाकर पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।